सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम शॉट ऑफ द वीक 625 का पूरा रिव्यू लेके आए हैं, जिसको हम गाइज मल्टीप्लेयर के अंदर रिव्यू करेंगे। टाइमिंग, पोजीशन, लेंथ सब कुछ आपके भाई क्लियर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे भाई कि शॉट को परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो भाई चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो भाई बहुत ही लंबी हिट जाती है, एकदम कन्फर्म है। अब गाइज यहाँ पर आना है आपको क्या, अगर आपको परचेज करना है तब करो, नहीं मतलब करो ही, ये नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर करना होगा तो आप क्विस्ट में आना, वहाँ पे आप देख सकते हो कि 625 नंबर का शॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम चलते हैं शॉर्ट बुक के अंदर, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं क्विस्ट भी, लेकिन हम शॉर्ट बुक के अंदर से परचेज करेंगे। तो आपकी इसकी रेंज देख लो आप सबसे पहले, 140 मीटर प्लस इसकी रेंज है, तो भाई कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, इसकी रेंज भाई बहुत हद तक सही है। और भाई ये एक बहुत ही अच्छी काम करी आरसी वालों ने कि भाई की शॉट की रेंज को इंक्रीज कर दी है, यानी कि डिस्टेंस को। अब गाइस चलो यहाँ पे हमने परचेज कर लिया, सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद अपने शॉट मैप के अंदर हम आएंगे। शॉट मैप के अंदर आने के बाद डायरेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 8 o'clock पे आपको मिल जाएगा शॉट, जहाँ पे आप बस स्पेशल में 625 नंबर का शॉट खेल पाओगे, ठीक है। लॉस्ट पे क्लिक करके स्पेशल में आना, 625 नंबर का शॉट मिल जाएगा। ये गोल्ड शॉट है, इसलिए सारे टाइप के बैट्समैन के लिए शॉट अवेलेबल है, ठीक है गाइस। यहाँ से आप आराम से जिस भी टाइप के बैट्समैन में रखना चाहते हो, गए प्री शेट 1 या फिर प्री शेट 2 में वहाँ पे रख के आसानी से आप सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, चलो मैं आगे आपको बताता हूँ। और ये शॉट जो है ना वो फास्ट और स्पिनर दोनों के लिए सही है। देखो सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ आप अच्छे से समझ लो। तो गाइज मैं आपको अच्छे से भाई मेरी बातों को सुनना, आप यॉर्कर पे स्विंग स्ट्रेट कोई भी बॉल हो कनेक्ट होता है, फुलर लेंथ पे कोई भी बॉल हो कनेक्ट होता है, लेकिन गुड लेंथ पे गाइज कैरम दूसरा और टॉप स्पिन फुल पेस में छोड़ करके गाइज स्पिनर की सारी गेंदों को कनेक्ट करता है, लेकिन फास्टर की कोई भी गेंद को गुड लेंथ पे कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया आपका लेंथ। और गाइज जो फ्लीपर होता है ना, कभी कभी इसको फ्लीपर खेलने में भी दिक्कत होती है। हालांकि जो हमने इस शॉट को खेलाया था वो लेग स्पिन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सब कुछ लगभग सही हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम पोजीशन की, ठीक है, क्योंकि भाई एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भाई पोजीशन ये है कि आपको बॉल से आधे स्टेप आगे निकल जाना है, उसके बाद शॉट को खेलना है, जैसे कि आप देख सकते हो, या फिर बॉल के लाइन में भी रह के खेल सकते हो अगर स्ट्रेट बॉल हो तब, ठीक है। अगर बॉल अंदर से मतलब बाहर निकल रही हो तो वहाँ पे आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा बॉल से। बॉल अंदर आ रही हो तो बॉल के लाइन में रह के खेलना होगा, स्ट्रेट होगी तो बॉल के लाइन में रह के खेलना होगा। ये हो गया पोजीशन। टाइमिंग की हम बात करते हैं अब, तो स्पिनर की मतलब फास्टर की धीमी गति की गेंद हो तो बिल्कुल आपको हाफ पिच पे खेलना है। फास्ट मीडियम जो बॉलर है अगर उसकी धीमी गति की गेंद हो तो आपको हाफ पिच पे खेलनी है। आगे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो सकती है, बाकी कोई भी आपका टाइमिंग परफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर फुल पेस में बॉल हो तो देख सकते हो आपकी हाफ पिच से पहले मतलब कि हाथ से जब रिलीज हो जाएगी और हाफ पिच से पहले आपको खेलना है, ठीक है। देख सकते हो रिजल्ट कितनी दूर गई है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम मिडिल ऑफ द बैट लगा है, कोई भी मसला नहीं होने वाला है, ठीक है। एकदम मतलब कुछ हद तक मुझे ये शॉट सही लगा। इस शॉट को ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि भाई ये शॉट ख़राब है, और ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि ये शॉट बहुत ही अच्छा है, लेकिन सही है। अब स्पिनर की देख सकते हो धीमी गति गेंद को मैंने क्या ही कमाल का शॉट खेला है। इसको खेलने के लिए आपको पिचिंग से पहले खेलना पड़ेगा धीमी गति गेंद को, और स्पिनर अगर फुल पेस में बॉल डाले तो आपको हाफ पिच के करीब के जो बॉल जब चली जाए तब आपको खेलना पड़ेगा, फिर आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। कैरम बॉल को बहुत ही ज़्यादा अर्ली खेलोगे फिर कनेक्ट होगा, वरना नहीं कनेक्ट होगा, आप कैच आउट हो जाओगे 30 यार्ड सर्कल में। और आखिरी बात रही स्टम्प आउट की, तो आप बिल्कुल स्टम्प आउट नहीं होगे, ठीक है। बात कर क्योंकि एडवांस शॉट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब गाइज मैं बता दूँ ये शॉट की रेटिंग मैं 8 ही की दूंगा, क्योंकि मुझे ये शॉट काफ़ी हद तक सही लगा। मतलब निगेटिव लेंथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शॉट है, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव शॉट भी है, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है इस शॉट को। तो गाइज अगर आप चाहें तो इस शॉट को परचेज कर सकते हैं, वरना आप पहले जो शॉट रखें उसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।